पंचमुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के पांच मुखों का प्रतीक माना जाता है, बहुत ही शक्तिशाली भी माना जाता है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष कब धारण नहीं करना चाहिए और यह रुद्राक्ष कितना प्रभावशाली होता है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वह साक्षात शंकर जी का प्रतीक है। रुद्राक्ष कोई भी हो, एक मुखी से लेकर के शोकदह मुखी तक सभी शंकर जी का ही रूप है, लेकिन विशेष रूप से जो पंचमुखी रुद्राक्ष है वह पंचानन, जैसे शंकर जी को पंचानन कहते हैं, तो उसी का प्रतीक है रुद्राक्ष पंचमुखी। अब पंचमुखी रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो रुद्राक्ष धारण करने के बहुत सारे नियम हैं। किस समय उस रुद्राक्ष का स्पर्श नहीं करें, धारण न करें। जिस प्रकार की यदि महिलाएं धारण करती हैं, तो यदि रजस्वला का समय होता है, जब महिलाएं रजस्वला हो जाती हैं, तो उस समय रुद्राक्ष को छूना तक नहीं चाहिए। धारण करना तो दूर की बात है, उसे स्पर्श न करें। और यदि सूतक लग गया हो तो भी रुद्राक्ष धारण न करें। और रुद्राक्ष पहन करके सोए नहीं, रुद्राक्ष सोने के पहले ही उतार दें, ये अति आवश्यक है। रुद्राक्ष दिन भर आपके गले में रहे, और अभक्ष के समय तो रुद्राक्ष होना ही नहीं चाहिए, रहना ही नहीं चाहिए शरीर में। इसलिए यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो नियम का भी पालन करें, और यदि आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो रुद्राक्ष न ही धारण करने में आपको विशेष फायदा है। इसलिए रुद्राक्ष धारण करने के पहले ये नियम को भी धारण करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप रुद्राक्ष धारण करते हैं उस प्रकार से नियम को भी धारण करिए, तभी आपका रुद्राक्ष जो है फलदायी होगा, नहीं तो उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। आपके जीवन में शांति के जगह अशांति हो सकती है, इसलिए रुद्राक्ष धारण करें तो सोच समझ करके रुद्राक्ष धारण।